यो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ गाइस मैं आप सभी लोगों का आरिश खान की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों। और आज के इस वीडियो में, जी हाँ आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग गाइस बात करने जा रहे हैं। आपने किस किस भाई ने यहाँ पर टार्जन मूवी देखी है। अब भाई यहाँ पर जो माइकल दादा के ग्रैंड फादर साहब थे और उनके जो फादर साहब थे, ग्रैंड फादर की जो मर्सिडीज थी, जिनके फादर की कार है दोस्तों एक होंडा की कार आई थी CRZ, उस टाइम पे चलती थी वो गाड़ी, ठीक है। तो वो गाड़ी जब टार्जन मूवी आई थी ना तो हल्का सा फ्रेंड से उसकी जैसी लुक देती थी, तो वो गाड़ी आज भी माइकल दादा के पास है। खैर इनके पापा जी तो यहाँ पर नहीं रहे दोस्तों, बट गाड़ी अभी भी हमारे घर पर दोस्तों यहाँ पर जो खड़ी है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो गाड़ी कैसी है। हम हल्का सा उसको मॉडिफाइड वगैरह भी करवाएंगे, ठीक है। ये देखो CRZ हाइब्रिड है, ठीक है। मेरे ख्याल से CNG पे चलती है कार शायद, मैंने इसको इतना अच्छे से नहीं चलाया अभी तक। होंडा की है, छोटी सी है फ्रेंड से, देखो हल्की सी टार्जन जैसी दोस्तों ये गाड़ी लगती है होंडा की, तो इस वजह से ही माइकल के पिताजी को ये गाड़ी बहुत पसंद थी। खैर ये 2-सीटर कार आती है, इसको कंपनी ने हल्का सा जब टार्जन मूवी रिलीज हुई थी ना तो वैसे ही बनाने की कोशिश की थी, पर भाई अफसोस के बना नहीं पाए, क्या हुआ था क्या नहीं। चलो इसकी डे टाइम रनिंग लाइट देखो कैसी है एकदम बल्ब सी जलते हैं, बाकी उस टाइम पे फॉग लैंप और ये सारे जलते थे ब्लू कलर के। ये देखो कैसे लग रहे हैं, इंडिकेटर्स की बात कीजिए कुछ इस टाइप के इंडिकेटर्स आते थे, इसमें भी जलते थे, इसमें भी जलते थे, ऐसा सब उसका होंडा वाला। ओ तेरी वे बाप की गाड़ी ठोक दी यार, गई 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 एक साइड से गई होंडा की गाड़ी। पावरफुल कार है यार ये, ये देख रहे हो स्क्रैचेस तो कुछ ना कुछ तो भाई जिमी भी लेकर गया था इसने, उसने मारे थे। और मैं आपको बता दूं होंडा ने इससे ज़्यादा पावरफुल कार आज तक बनाई भी नहीं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे आज भाई क्यों मजाक कर रहे हो, इसके ऐसा पिकअप ना आज भी भाई किसी गाड़ी का नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। पहले इसको मॉडिफाइड करा दूं। ओ भाई सब गई इसकी लाइट वाइट गई, क्या इसकी लाइट वाइट मिलती है ये बात अच्छी है। अब फूटती बहुत जल्दी है गाड़ी है। चलो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये एक ऐसी गाड़ी है जो दूसरे तीसरे गियर में 200 प्लस हो जाती है। चलो चलो ये हो गई, आर्मर लगवाए तो पहले टॉप स्पीड, अरे यार पैसे ही नहीं है, बट बाकी आप टॉप स्पीड देख लो, बट एक्सेलरेशन थोड़ा कम है, टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसकी ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। रुक जाओ मुझे पैसे लेकर आने पड़ेंगे यार, मुझे हमेशा माइकल दादा को मैं यही कहता हूँ माइकल दादा पैसे लेकर आया करो, फिक्स तो करा ली गाड़ी। टॉप एंड तक पहुंचने का पता है। चलो दोस्तों मैं फटाफट पैसे यहाँ पर जो है लेकर आता हूँ, राइट गाइस। तो यार यहाँ पर मैं जो है पैसे ले आया हूँ। ओ भाई ब्रेकिंग इसकी करवानी पड़ेगी भाई कुछ, वरना तो ये गाड़ी बहुत खतरनाक है। ये देखो ठुक गई ना, कहीं से ही ब्रेक मारने की सोच लो, सबसे ज़्यादा ये गाड़ी ना इसी वजह से ठुकती है। चलो सही है, फिक्स आर्मर रेस ब्रेक्स। ओ भाई ये गाड़ी मॉडिफाइड भी हो सकती है क्या, होंडा की गाड़ी की तो खास बात है मॉडिफाइड भी हो सकती है। तो भाई साहब बंदा पूरी ग्रिल चेंज कर देगा दोस्तों, ये देखो और नीचे इसको लगा देगा। वैसे दिखने में तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, पर ये भी कुछ ज़्यादा बुरी नहीं लग रही दोस्तों। ये 2300 की हो रही है, ये 3700 की, इसमें पूरी बॉडी ग्लाइडिंग लगा रहा है, ये कराता हूँ ना, सामान है दोस्तों इसके पास। सही है भाई, चलो एक्सेलरेशन बढ़ा दी भाई, साइड की भी वो लग रही है, हॉर्न ही लगाता हूँ। ओ भाई नियॉन कलर प्लेट बाद में देखी जाएगी,
ब्लैक कलर की मेटालिक, मेटालिक कलर नहीं करूँगा मैं इसको, जो मैट कलर करूँगा, ब्लैक ब्लैक मैट ब्लैक। क्या सही लगेगी ना दोस्तों एकदम मैट ब्लैक रोड पर चलती हुई। मैट ब्लैक अंदर से भी, तो भाई साहब स्पॉइलर भी है इस गाड़ी का, तो चलो ये वाला स्पॉइलर लगवा दो। ट्रांसमिशन से बढ़ गए, टर्बो भाई फुल हो गई गाड़ी की। होंडा वाले व्हील हैं, अब ये स्पोर्ट्स व्हील में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके हाई एंड, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो, वैसे कोई से भी करवा लो मेरे ख्याल से तो यही कार्बन शैडो। इसको पट्टी को रेड रखो इसकी। बुलेट प्रूफ टायर, टायर स्मोक, रेड टायर स्मोक। भाई इसकी लाइट्स भी स्मोक होंगी। ओके मुझे करानी नहीं, बस यही मॉडिफिकेशन होती है इस गाड़ी की। सही लग रही है वैसे, तो गाइस इस कार की मुझे यहाँ पर टॉप स्पीड वगैरह चेक करनी है एक बार। अरे यार नहीं, मुझे तो इसको टार्जन वाला कलर कराना था। शिट यार गाइस, बना नहीं टार्जन, आप बोल कुछ रही नहीं हो यार। टार्जन वाला कलर करना था, बेवकूफ आदमी ने कौन सा कलर कर दिया। हाँ टार्जन का ये तो कलर था ना। गैलेक्सी ब्लू कलर था ना उसका, टार्जन यार पर्पल शेड में आता है टार्जन का कलर, ये वाला था शायद टार्जन का कलर। ये तो कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, या ये था, ये लग रहा है मुझे तो ये था, या ये था, ये होगा यार। चलो अब लग रही है थोड़ी टार्जन जैसी भाई है, देखो पूरी तो नहीं लग रही पर भाई इतनी बुरी नहीं लग रही है। होंडा की इस गाड़ी को मैंने कामयाब कर दी, अब लोग देखेंगे तो उसे हल्की चलती भाई रोड के ऊपर को। दूर तेरी, हाँ आर्मर जब से लगा ना तब गाड़ी अच्छी मजबूत हो गई दोस्तों, सही है। तो भाई तीसरे गियर में चौथी वो भाई 200 की स्पीड क्रॉस करती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा फास्ट है। पर भाई एवरेज भी तो उसकी इतनी कम है, एवरेज ऐसी देती है 3 या 4 की बस, 1 लीटर पेट्रोल में 3-4 किलोमीटर बस, उससे ज़्यादा नहीं, 3 या 4 किलोमीटर बस, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। सही है भाई, होता रहता है खैर बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें। बाकी ये वाला हाईवे खाली है, मैं इसके ऊपर इसकी टॉप स्पीड चेक करता हूँ। चलिए तो दोस्तों यार ये वाला जो हाईवे है बिल्कुल खाली पड़ा है, खाली खाली पड़ा है, और इसके ऊपर देखते हैं हम कितनी जल्दी 0 to 100 जाती है, कितनी टॉप स्पीड है। 3। इसके इंजन ना काफ़ी स्मूथ चलता है, ये देखो 3, 2, 1 हो भी गई 100। तीसरे गियर में 200 पहुँच गई, टॉप एंड देखनी है ना मुझे। 4 गियर है मेरे ख्याल से इसमें, ऑटोमेटिक ही डाल रही, मुझे नहीं पता कितने गियर हैं गाड़ी में। 5वां शिफ्ट करेगी क्या, मुझे लग रहा है 4 ही गियर है भाई गाड़ी के अंदर। 280 पे चली गई कार, 44 लगता नहीं भाई, 5 गियर हैं, अच्छा हैं 5 गियर। 300 टच करती है भाई गाड़ी, उस ज़माने की कार आज भी 300 टच कर रही है, तुम देख लो 310, 304, 305।
देख रहे हो अंदर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि गाड़ी 300 पे चल रही है। वैसे मैं उस टाइम की V8 इंजन है इसमें, उस टाइम की ये टॉप सेलिंग सुपर कार ही थी भाई उस टाइम की, ये होंडा वालों की, होंडा ने इंजन बहुत अच्छा बनाया इसका। देखो 300 पांचवें गियर में 300 एवरेज नहीं है बट भागने में बहुत सही है। उस टाइम पर ABS नहीं हुआ करता था तो ABS नहीं है गाड़ी में। ब्रेक कैलिपर्स रेड हो चुके हैं आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों अब इस गाड़ी का एक ना क्रैश टेस्ट हो जाए, क्योंकि गाड़ी जो है देखो भाई सुपर फास्ट है, टार्जन जैसी लुक है, हर चीज़ अच्छी, तो होंडा ने बिल्ड क्वालिटी कैसी बनाई थी, ठीक है ना। तो अगर हाई स्पीड पर गाड़ी ठुक जाती है, देखो पहाड़ पर ले जाने का तो देखो मतलब बनता नहीं, क्योंकि पहाड़ के मतलब की कार है नहीं, तो हम इसको रोड पर ले जाकर ठोकेंगे, ठीक है, ठीक है, ठोकेंगे और फिर देखेंगे कैसी है, ठीक है। तो चलो 3, 2, 1 देखेंगे क्या बंदा बचेगा या नहीं, कितनी चीज ठुकेगी इसकी। मैं इसको ठोकना पसंद करूंगा यहाँ पर 250 से ऊपर वाली स्पीड पर, क्योंकि इतनी हाई स्पीड दे रखी है ना इस कार में, यहाँ ठोकूंगा मैं 3, ठीक है। और राइट, क्या बात है, इम्प्रेसिव बिल्ड क्वालिटी। इंटीरियर में कुछ फ़र्क नहीं आया, 250 की स्पीड पर ठुकी है गाड़ी, क्या बात है होंडा, क्या बात है, सुधर गई क्या होंडा। बोनेट पे से हल्के हल्के से वो आए हैं, हिल गया दोबारा एक अटेम्प्ट और, इंजन की लाइफ हल्की सी ख़त्म हुई है, दिख जाता है उसमें। अब यार पोल पे ठोकूंगा, ठीक है, अब की बार हल्का सा साइड लगाए और लाइट जा चुकी है। टूटा भाई, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है भाई गड्डी की, क्या बात है, सोचें था ऐसी होगी। चलो एक बार और अटेम्प्ट हो जाए, चलो ठीक है, इंजन दिखने लग गया गाड़ी का भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत इम्प्रेसिव है कार की, बहुत ज़्यादा। ठीक है, छत तक वो नहीं आया भाई, पिलर ए पिलर से ए पिलर टूटने का नाम नहीं ले रहे भाई, पता नहीं भाई कौन सी किस मटेरियल की इस कार को बनाया गया है। चलिए एक बार इसको बिल्कुल फिक्स करवाते हैं, एक बार माउंट शिलियार्ड पर लेकर। राइट गाइस, तो यार फिलहाल अब यहाँ पर ना मैंने इस गाड़ी को प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर फिक्स करा दिया है, और कराने के बाद अब मैं इस गाड़ी को जो है पहाड़ से कुदाने वाला हूँ, ठीक है, करना तो नहीं चाहिए पर एक बार करके देखना है। 3, 2, 1 ऐसे इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होंडा ने बना कैसे दी। अगर पहाड़ से भी मान लो चलो गाड़ी गिर दी तो क्या पैसेंजर बचेंगे या मरेंगे, पता चल जाएगा अभी। पहाड़ से गिरना इज अनदर थिंग, और गाड़ी कितनी ज़्यादा सेफ रहेगी यहाँ पर। भाई इसकी डिग्गी पैसे खुल गई टार्जन की तरह, सही है भाई, सही है, सही है, सही है भाई। मुझे एक चीज़ की बहुत अच्छी लगी दोस्तों, वो क्या है मैं नीचे जाके बताऊँगा अगर वो चीज़ में हुई, और मेरे ख्याल से लगता है इसके अंदर वो चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, चीज़ यह है दोस्तों, जो पहले एक चीज़ ऐसी बनाती थी होंडा कि जो गाड़ी होती है ना इसके अगर ज़रा सा भी इम्पैक्ट ज़्यादा ज़ोर से पड़े ना इतनी ऊंचाई ऊँचाई छत वत पे को, तो गाड़ी के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते थे, बहुत टाइट वाली इमरजेंसी लॉक, तो खुलते ही नहीं थे। इसके साथ भी बिल्कुल वही है, जिससे कि पैसेंजर बस गाड़ी में ही रह जाए, बाहर निकल के ना गिर के मर वर ना जाए, दरवाजे लॉक हो जाते थे, क्योंकि होंडा को पता है कि हम इतनी मजबूत गाड़ी बना रहे हैं कुछ होगा तो है नहीं। चलो सही है भाई, और बाकी में दोस्तों ये गाड़ी पहली बार ऐसी लगी जो कि हर सिक्योरिटी सिस्टम को दोस्तों तोड़ती है यहाँ पर। चलो दरवाजे इतने ज़्यादा वो है ना भाई, एकदम पकड़ के रखा था और अंदर तक तो इम्पैक्ट पड़ा भी नहीं, तो गाड़ी थम्स अप फॉर टार्जन।
बाकी यार आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए क्या लगे कुछ रहिए, बाय।